फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुकांति, सुकांति किचन में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज मैं और एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। और आप वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है सुकांति किचन में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं एकदम सिंपल तरीका से चिकन बना रही हूँ। और देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी, जब भी न्यू रेसिपी डालूंगी, उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। और ये देखिए मैं किचन कैसा फैला रखी हूँ, अभी खाना बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देर ना करते हुए बनाना शुरू करती हूँ। और आप लोग भी कंटिन्यू ब्लॉग में यानी कि वीडियो में बने रहें रेसिपी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चिकन बनाना शुरू करती हूँ। और चिकन बनाने के लिए मैं क्या क्या सामग्री लिया है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पीछे टोकरी लगा हुआ है, वहाँ पर बर्तन अगर धुला हुआ है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप आप लोग माइंड मत करिएगा। तो और ये देखिए मूंगू का चिकन बन रहा है कुकर में, उसका भी सीटी आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह की मैं सिंपल तरीका से हर घर में चिकन बनता है, आम लोग बनाते हैं, इसी तरह की मैं आज बनाकर दिखाऊंगी। और जब भी गेस्ट लोग आते हैं तो नॉर्मल तरीका से बनाते हैं चिकन, और देहाती स्टाइल में भी हो सकता है, और ऐसे भी बड़े बड़े घर में भी ऐसे चिकन झटपट में बनता है, बनाते हैं। तो इसी तरह मैं बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए सामग्री दिखाती हूँ आप लोगों को, चिकन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 किलो से कम है चिकन लिया है मैंने, और इसमें मैंने दही डाल दिया है, 2 बड़ा कलची दही और लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, देगी लाल मिर्ची, और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी 1/2 टीस्पून जैसे डाली हूँ, और मैरिनेट करके ले लिया है चिकन को। ये देखिए मैं 1/2 घंटा से ज़्यादा हो चुका है इसको मैरिनेट करके रखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लंबे हिस्से से 2 प्याज काट कर ले लिया है, पतले पतले हिस्से से। और यहाँ से देखिए 1 से 1.5 प्याज को मैं ऐसे पीसेस से काट कर ले लिया है। और अदरक 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और लहसुन 6-7 दाने से भी ज़्यादा है। ये देखिए इसको मैं धो कर लिया है, मैं छिलके के साथ इसको अलग से मिक्सी में पीसूंगी, और इसको अलग से तेल में पहले डालूंगी। तो जब मैं बनाना शुरू करूंगी तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं इसको जो छोटे छोटे पीसेस में कटा है उसको मैं मिक्सी में पीस लूंगी, अदरक लहसुन और प्याज को मिलाकर। तो चलिए इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं पीस लिया है, ये देखिए इस तरह का पीसना है, और अच्छे से पीस कर ले लीजिएगा। अब इस साइड साइड ऐसे अच्छे से इसको निकाल कर रख दीजिए ऐसे। ये तो पीस गया, ये देखिए साथ में मैंने खड़ा मसाला थोड़ा ले लिया है, यहाँ पर जीरा भी ले लूंगी 1 टीस्पून से ज्यादा, 1.5 टीस्पून जीरा भी ले लूंगी। यहाँ पर साबुत धनिया भी ले लिया है, साबुत धनिया रोस्ट किया हुआ है, और यहाँ पर लौंग और काली मिर्च, और यहाँ पर बड़ा कर इलायची और छोटी इलायची दोनों ले लिया है, और साबुत लाल मिर्च लिया है, और गरम दालचीनी भी ले लिया है, और छोटी सी पीस मैंने जावित्री ले लिया है। तो ये तेज पत्ता 1 ले लिया है, मैंने तोड़ दिया है। यहाँ पर कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है, गैस भी ऑन कर दिया है। देखिए कढ़ाई को गर्म होने देते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो मैं अपने अंदाज से ऑयल डाल देती हूँ। आप लोग भी अपने अंदाज से ऑयल डाल दीजिए, ज्यादा ऑयल भी ना लीजिए। ये देखिए अब तेल को गर्म होने देते हैं। सो यहाँ से मैं बॉयस ओवर दे रही हूँ फ्रेंड्स, और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने सारे खड़ा मसाला को ऐड कर दिया था, और खड़ा मसाला को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने दिया। उसके बाद मैंने कटी हुई प्याज को ऐड कर दिया है, लंबे लंबे पीसेस से कट कर ले लिया था। इसको हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे,
ब्राउन होने तक भुनेंगे। और देख लीजिएगा मैं किस तरह की ब्राउन करके ले प्याज को ब्राउन करूँगी। ये देखिए ब्राउन हो चुका है अच्छे से। और अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए थे मिक्सी में पीस कर, उसको ऐड कर दिए हैं। और इसको भी 2 से 3 मिनट तक लगातार भूनेंगे। और अच्छे से भून लीजिएगा तो चिपक जाता है, और जब तक ना चिपके तब तक मसाला से तेल छूटेगा तब तक भूनना है। और यहाँ पर मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी ऐड किया है, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्ची तीखी वाला, और यहाँ पर मैंने चिकन मसाला 2 टीस्पून डाली हूँ। मेरे घर में थोड़ा कम ज़्यादा मसाला खाते हैं, मतलब कम मसाला खाते हैं, इसीलिए मैं वह सफ़र दे रही हूँ फ्रेंड, इसलिए थोड़ा मैं गड़बड़ा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से 2-3 मिनट भूनने का बाद, और वो भी लो फ्लेम में भूने मसाला को, तो आपका जो मसाला जल सकता है और फिर सारे मसाला का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और साथ साथ चिकन में भी टेस्ट नहीं आएगा। तो चिकन को भी अच्छे से मसाला के साथ मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए ढक दीजिएगा, और उसके बाद फिर से खोल कर देखिएगा कि इसमें चिकन में से ब्लड गया है कि नहीं गया है। चिकन से उसका जो खून होती है वो निकला है नहीं निकला है, तो उसी हिसाब से बनाइएगा। और यहाँ पर ब्लड नहीं गया था तो मैं यहाँ पर दोबारा से चिकन को ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, और इसी तरह मैं मिला मिला कर बीच बीच में ही चेक करते रही और बना रही हूँ मैं। ये देखिए और अच्छे से दिख रहा है, देख लीजिए अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है चिकन को बनते हुए। और ऐसे चेक करते कर मतलब ढक्कन लगा लगा कर ही चेक करें और बनाएं। और यहाँ पर थोड़ा चिकन को पकने दिया, उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने नमक ऐड किया है। नमक अभी इसलिए ऐड कर रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ तो टमाटर जल्दी गल जाएगा, और दूसरी बात जब तक चिकन में ब्लड होता है तब तक आप लोग नमक ना डालें, और आप लोग को ऐसे पसंद है तो डाल सकते हैं। और मेरे ख्याल से मेरे पापा कहते थे कि पहले ही नमक डाल दो तो चिकन का बिसर नहीं जाता है, इसलिए मैं पहले नमक नहीं डालती हूँ कभी भी चिकन बनाती हूँ। तो ये देखिए पहले चिकन से सारे ब्लड चला जाता है, उसके बाद साथ में टमाटर और नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग गरम मसाला थोड़ा ऐड कर सकते हैं, मेरे घर में गरम मसाला नहीं खाते हैं। और मैं यहाँ पर चिकन थोड़ा रेडी हो रहा है तो मैं कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ ताकि उससे और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाए। और उसके बाद यहाँ पर कटी हुई धनिया भी डालूँगी, 2-3 सेकंड के लिए और ढक दिया था मैंने कसूरी मेथी डालकर, और यहाँ पर कटी हुई धनिया डाल रही हूँ इस। और धनिया के साथ और 2-3 मिनट के लिए ढक ढक कर मैं पकाऊँगी, और इसे ऐसे बनाने से बहुत ही बढ़िया टेस्टी चिकन बनकर रेडी होता है फ्रेंड्स, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। और एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा और मेरे अंदाज से। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक टेस्ट कर रही हूँ, और नमक थोड़ा कम हो गया था तो मैं नमक और थोड़ा डाल दिया है, और इसको नमक के साथ 2 से 3 सेकंड के लिए और मैं पकाऊँगी। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे चिकन बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए बीच बीच में ढक ढक कर मैं बना रही हूँ, इसी तरह आप लोग भी बनाकर खाइएगा। और आप लोग इसमें अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं, मुझे यहाँ पर ग्रेवी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने अंदाज से ग्रेवी कर सकते हैं। आप लोगों को ग्रेवी खाना पसंद है तो यहाँ पर मैं चिकन बनने का बाद ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर और दोबारा से हरी धनिया डाल दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।